तो सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 50 मीटर और 33 मीटर है। तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, एक हम समलंब चतुर्भुज को बना लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? तो एक समलंब चतुर्भुज है। और देखिए, इसमें कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 50 मीटर और 33 मीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन सी है? तो देखिए, ए बी और सी डी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और ये आपका दिया गया है, एक 50 मीटर है और एक 33 मीटर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके ये आपका 50 मीटर दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 33 मीटर। ठीक है, फिर देखिए तिर्यक भुजाएं, ये जो आप देख रहे हैं ए डी और बी सी, इस समलंब चतुर्भुज की तिर्यक भुजाएं हैं। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है 26 मीटर और 25 मीटर, यानी कि ए डी जो है ये 26 मीटर है और बी सी जो है 25 मीटर है। तो कहता है कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4, 4 का ए। ठीक है, आपको इस तरह से फिगर बना लेना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखेगा कि माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी तथा सी डी समांतर भुजाएं हैं तथा ए डी तथा बी सी तिर्यक भुजाएं हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है इस फिगर को देखते हुए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं और ए डी बी सी क्या है? तो तिर्यक भुजाएं हैं। ठीक है, अब जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि अर्थात ए बी बराबर, देखिए फिगर में, यहाँ देखिए ए बी आपका 33 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 33 मीटर कॉमा सी डी, सी डी कितना दिया गया है इसमें? तो 50 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 50 मीटर। फिर देखिए ए डी 26 मीटर है, तो लिखेंगे ए डी बराबर 26 मीटर और बी सी बराबर 25 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या किए कि यहाँ पे दो लंब डाले हैं, तो इसको आगे लिखना होगा। यहाँ लिखिएगा कि हमने रचना किया, रचना क्या करना है कि ए ई और बी एफ, ये दो हम लंब डाले हैं सी डी भुजा पे। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि ए ई जो है लंब डाला गया है सी डी पर तथा बी एफ लंब सी डी। अब देखिए, अब ए ई जो है इसको हम मान लेते हैं और डी ई जो है इसको भी कुछ मानना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि माना ए ई बराबर ए ई, और देखिए ए ई की जो लंबाई होगी वही लंबाई बी एफ की होगी, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ ए ई बराबर हो जाएगा बी एफ। ठीक है, और इतना बराबर हमने मान लिया वाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि इसको हम वाई मान लिए हैं। और यहाँ ध्यान से देखिए कि ए बी एफ ई, ये देखने में क्या लग रहा है? एक आयत लग रहा है। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए, अगर ए बी आपका 33 मीटर है तो ई एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपका 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ए ई और बी एफ ये भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूँकि ए बी एफ ई एक आयत है, इसलिए ए ई और बी एफ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक
ये 33 मीटर हो गया, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 मीटर था, तो ये भी आपका 33 मीटर हो गया। अब डी ए ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स मीटर है, ठीक है। यहाँ लिखिए कि माना DF बराबर एक्स मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान लिया कि ये कितना है, एक्स मीटर है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 मीटर है, तो CF कितना होगा ये आपको निकालना होगा। तो देखिए CF हम निकालते हैं, CF बराबर, देखिए CF निकालने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये टोटल में से आपको इतना माइनस करना होगा, तब जाके ये निकलेगा। तो CF बराबर हम लिख सकते हैं CD माइनस DF। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक CD है और यहाँ से लेके यहाँ तक DF है, तो पूरा में से DF माइनस कर दिए तो ये बचेगा। CD कितना है, देखिए C से लेके D तक इसकी लंबाई है 50 मीटर, तो CD की जगह पे लिखेंगे 50 माइनस DF। देखिए D और F इसको हम लिख सकते हैं DE और प्लस EF, ठीक है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। तो DF को लिखेंगे DE और प्लस EF, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 माइनस DE, तो DE को हमने X मान लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे X, और EF आपका 33 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 33, यानी 50 में जब 33 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 17 और माइनस एक्स, यानी कि CF बराबर हमको आ गया 17 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ चलिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है आपका और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो पहले इस ट्राइंगल में हम काम करेंगे, ये ट्राइंगल देखिए इसका नाम है AED, ठीक है। इसमें देखिए कि ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे कि ट्राइंगल AED में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, इसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण 26 है, तो 26 का स्क्वायर ये बराबर होगा किसका, तो लंब का, तो लंब इसमें कितना है, वाई है और आधार एक्स है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 26 का स्क्वायर, आप ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये होता है 676, ठीक है। इसका स्क्वायर आप करके देखिएगा, यहाँ देखिए जब 26 में आप 26 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 676, ठीक है। तो 676, और देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो इसको इधर जब लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण एक हम मान लेते हैं। फिर यहाँ देखिए, फिर अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो इस ट्राइंगल का क्या नाम है, तो BFC, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BFC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें देखिए इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ देखिए 25 है, यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 17 माइनस एक्स है, तो 17 माइनस एक्स इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए,
या इसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 25 है तो यहाँ पर लिखिए 25 का स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 25 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो ये होता है 625, ठीक है। यहाँ देखिए जब आप 25 में 25 से गुना करेंगे तो इसको जब आप गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 625, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 625 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये है प्लस में तो इसको लेकर आइए इधर, तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, 17 माइनस एक्स है तो 17 माइनस एक्स इतना का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 625 माइनस, देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का स्क्वायर यानी कि 17 है तो 17 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 2ab तो 2 × a, एक जगह पर 17 और बी की जगह पर एक्स, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे सो कर दिया है। अब इसको देखिए y स्क्वायर बराबर 625 माइनस, जब आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289। यहाँ देखिए 17 में 17 से गुना करके देखेंगे आप तो आंसर आएगा 289, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस है तो प्लस, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस है तो माइनस, 2 में 17 से गुना करेंगे तो 34 और एक्स गुना में है तो एक्स। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 625, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस में 289 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 34x। इसको सॉल्व करिए, 625 में 289 को माइनस करना है, देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं, 625 है और 289 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 336 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 336 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 34x वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है, दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि जो इसका बायां पक्ष है बराबर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, ये जो दिया हुआ से पर लिख दीजिए यहाँ पे 336 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 34x। अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस में एक्स स्क्वायर है और इधर भी माइनस में एक्स स्क्वायर है और बीच में समीकरण है, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 676 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 336 बराबर क्या बचेगा, 34x बचेगा। अब इसमें इसको माइनस करना है तो यहाँ देखिए 676 है और 336 को जब माइनस करेंगे तो 043 340 बराबर 34x, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 34x बराबर 340, इधर लिख दीजिए इसको इधर लिख दीजिए, तो x बराबर क्या होगा 340 बटा, जब इधर गुना में 34 है इधर आके बटम हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, यानी एक्स का मान कितना आया 10 आ गया, यहाँ
यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है उसको पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण एक आपका दिया गया है कि y स्क्वायर बराबर 676 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 676 माइनस एक्स का मान 10 है तो 10 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 676 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। 676 में 100 माइनस कर देंगे तो बचेगा 576। देखिए वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का वैल्यू आया है। अब आपको वाई का मान यहाँ से निकालना है, तो वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए वाई बराबर जब स्क्वायर हटता है तो इधर आके वर्गमूल होता है, ठीक है, यानी कि 576 का वर्गमूल हो जाएगा। 576 का वर्गमूल कितना होता है तो 24 होता है। यहाँ देखिए 576 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे है ये ऐसे है, यानी कि दो दूनी का चार, एक दो दो चार, ऊपर से उतरेगा 76, यहाँ चार से लगाएंगे तो इसमें जब चार से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 176, ये कट जाएगा, चार चार आठ चार, यानी कि आपका वर्गमूल होगा 24। यानी कि y का जो मान है वो हम निकाल लिए हैं 24 मीटर है, और यहाँ जो एक सम्मानित है ये कितना है 10 मीटर है। देखिए ये समलंब चतुर्भुज है और इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका एक सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजा कौन है, ए बी है और सी डी है, यानी कि जो समांतर भुजा है उसको आप जोड़ दीजिए, और ऊंचाई ऊंचाई इसमें देखिए ए ई क्या है आपका ऊंचाई है, चाहे बी एफ, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए ए ई, ठीक है। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, 1/2 समांतर भुजा जो दिया गया है उसका योग और गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, तो ए बी सी डी जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसको इस्तेमाल करेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजा देखिए कौन है, ए बी और सी डी, ये समांतर भुजा है, यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी डी और गुना ऊंचाई, ऊंचाई देखिए समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई है आपका ए ई, ठीक है, ए ई भी है या बी एफ भी है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, हमने लिखा ए ई। देखिए 1/2 समांतर भुजा ए बी का मान दिया हुआ है 33 प्लस सी डी, देखिए सी डी बराबर आपका 50 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 50, और ए ई, ए ई को हमने वाई माना था, वाई का मान आया है 24, यहाँ पर लिखेंगे 24, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 33 और 50 को जोड़ेंगे तो होगा 83 और गुना में है 24, दो से 24 कटेगा 12 बार में, और 83 को जब 12 से आप गुना करेंगे तो 996 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, अब यूनिट क्या है इसका, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो समलंब चतुर्भुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल जो होगा 996 वर्ग मीटर होगा, ये आपका आंसर हो गया।